आपके जो हाथ में दाग है ये सब कैसे हुए? मैंने खुद काटे इनके प्यार में। इनके प्यार में? बिल्कुल, ये मेरी मोहब्बत जुनून से ज़्यादा थी। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप की गलतियाँ करते थे, तो इन गलतियों की मैं खुद को सजा देती हूँ। मैं रखने के लिए थे और मैं जिम्मेदारी साथ निभाऊंगा इसका मरते दम तक, यानी कि अपने आप से ज़्यादा ध्यान रखूंगा। इनसे ज़्यादा है तनख्वाह उनकी, आप बताएं। अगर वहाँ के वो 50,000 भेजता है तो पाकिस्तानी 50,000 और इंडिया के 10,000 भी बहुत है, क्योंकि तीन गुना, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 3.5 रुपये। यही, मैं वैसे अकेली रहती थी, ज़िंदगी से तंग थी, मेरा कोई भी नहीं था वहाँ, और ये मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बहुत खुश रहने लगी और मेरी इनके साथ खुशी थी, इस कारण मैं यहाँ आई। सीमा जी, क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद है? बिल्कुल है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान? उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी सर, किसी और की देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपकी प्रेम कथा किससे शुरू हुई? पबजी से शुरू हुई सर। और अंत? अंत शादी तक ख़त्म हुआ। साथ रहेंगे अब? आई थिंक साथ ही रहेंगे, यहाँ के कानून ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो साथ ही रहेंगे। आपसे एक निजी सवाल है, आपके जो हाथ में दाग है ये सब कैसे हुए? मैंने खुद काटे इनके प्यार में। इनके प्यार में? बिल्कुल, ये मेरी मोहब्बत जुनून से ज़्यादा थी। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप की गलतियाँ करते थे, तो इन गलतियों की मैं खुद को सज़ा देती हूँ। कब से इनको दिल दे बैठे थे आप? 2 साल पहले। 2 साल से? 3 साल हुए मेरे कॉन्टेक्ट को। जी सर। पबजी खेलने का समय मिलता है आपको? अब नहीं खेलती। अब नहीं खेलते हैं? क्यों? 1 महीना हो गया नहीं खेल रही, बहुत खेलती थी मैं पहले। अच्छा सर, क्या क्या समस्या हो रही है इंडिया में आपको? अभी तो कुछ नहीं हो रही, पूछताछ चल रही है, कोई भी समस्या। भैया 2 मिनट हो गए, लोग सचिन क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इनको ताऊ में साथ निभाएंगे, क्योंकि 4 बच्चों का सवाल है और आप 4 बच्चों के पिता हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं रखने के लिए थे और मैं जिम्मेदारी साथ निभाऊंगा इसका मरते दम तक, यानी कि अपने आप से ज़्यादा ध्यान रखूंगा। अगर इन्हें पाकिस्तान ले जाया जाए फिर क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये पाकिस्तान नहीं जाएगी सर, और जाएगी भी तो ये जाएगी तो इसकी लाश जाएगी, उससे पहले मेरी लाश उठेगी। अच्छा, ये बताइए, इनके जो शोहर थे गुलाम हैदर और अब आप हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा है, वो दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, क्या मैनेज कर पाएंगे? इसका जवाब मैं दूंगी। जी, किसने कहा इनसे ज़्यादा है तनख्वाह उनकी, आप बताएं। अगर वहाँ के वो 50,000 भेजता है तो पाकिस्तानी 50,000 और इंडिया के 10,000 भी बहुत है, क्योंकि 3 गुना, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 3.5 रुपये, तो आप ही अंदाज़ा लगा। क्या क्या दिक्कत हो रही थी उनके साथ? वो मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते थे सर। उसके खातिर आपने छोड़ दिया? नहीं, मैं वैसे अकेली रहती थी, ज़िंदगी से तंग थी, मेरा कोई भी नहीं था वहाँ, और ये मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बहुत खुश रहने लगी और मेरी इनके साथ खुशी थी, इस कारण मैं यहाँ आई। सुकून है अब इंडिया में? बहुत ज़्यादा, अब हिंदू बन चुकी फील कर रही हूँ वहाँ। फिर अब ना वापस जाना है पाकिस्तान में, मेरे लिए बहुत खतरा है, मैं यहीं जीऊँगी, यहीं मरूँगी इनके साथ, मैं दफन नहीं होंगी, मैं जलूँगी सचिन के हाथों से। जी हाँ, सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ गई है, उनके ये पड़ोसी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मिले हैं सीमा हैदर जी से? मुलाकात हुई? पाकिस्तान की बहू हिंदुस्तान की बहू बन गई है, कैसा लग रहा है अब आपको? बढ़िया लग रहा, अच्छी लग रही है। मुलाकात हुई है सीमा हैदर से? हाँ भैया। क्या लगता है, सीमा हैदर यहाँ पर रह पाएगी या चली जाएगी? रह जाएगी। सरवाइव कर पाएगी यहाँ पे? हाँ। इनके 4 बच्चे जो हैं छोटे छोटे रह लेंगे यहाँ पर? हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ को इस तरह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहिए? रख लेंगे, खूब बढ़िया रख लेंगे। जब किसी महिला की शादी हो जाती है, पति उसके लिए सब कुछ होते हैं, शोहर उसके लिए सब कुछ होते हैं, तो क्या छोड़ना उचित है अपने पति को, अपने देश को इस तरह से? ये तो बात सही है, अब परेशान भाई है तो छोड़ भी दे। अच्छा है, अगर परेशान तो छोड़ दे तो अच्छा है। ऐसा ही सुनना है, क्योंकि तो अच्छा लग रहा है। हम भी खुश हैं, जबकि सब दुनिया खुश है तो आप भी खुश हैं। और का सचिन कैसा लड़का है? सचिन भी सही लड़का है, एफएम तो कुछ है ना, नहीं तो नहीं पता, और आगे पता नहीं है। पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद स्थिति सामने है, इस वक्त में सीमा हैदर के घर पर मौजूद हूँ, तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया बंधुओं की भीड़ है, साथ साथ यहाँ पर पुलिस फोर्स भी आई हुई है, तस्वीर में देख सकते हैं,
अमर प्रेम कहानी, एक तरफ सीमा एक तरफ सचिन। अब देखना दिलचस्प होगा इनकी प्रेम कहानी आगे कहां तक जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।